नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग टूडी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे एप्लीकेशन जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं और हमको अलग अलग कोड्स की जरूरत होती है, अलग अलग फॉर्मेट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज की जो मेरी एप्लीकेशन है वो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। समझ लीजिए कि इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह की फॉर्मेट मिल जाएगी, हर तरह का कोड मिल जाएगा, हर तरह का टूल्स मिल जाएगा काम करने के लिए। दोस्तों इस एप्लीकेशन का जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर डालूंगा उससे आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक मेरे दोस्त की ये प्रॉब्लम आई थी तो मुझे लगा कि एक एप्लीकेशन हमारे पास में और होनी चाहिए जिससे कि हम मोबाइल पे ही सारा फॉर्मेट वगैरह प्रोग्राम का चेक कर सकें, चाहे सीमेंस हो, चाहे फानुक हो, चाहे हास हो, कोई सा भी कंट्रोल हो, इसके लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में होनी चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं इस मोबाइल ऐप के बारे में जानने के लिए। एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्किप ना करें वरना कोई ना कोई पॉइंट आपसे छूट जाएगा। तो दोस्तों ये है मेरे पास में मोबाइल की एप्लीकेशन लर्न सीएनसी के नाम से, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों जैसे इस एप्लीकेशन को खोलते हैं तो इसके अंदर सबसे पहले खुलता है जी कोड। जी कोड यानी कि सारी मशीनों में लगभग सेम होते हैं, तो जी कोड की पूरी इसमें लिस्ट खुल जाएगी। जिन नए ऑपरेटर्स को जरूरत होती है कि जी कोड्स क्या काम आते हैं और उनको कैसे काम में लेते हैं, तो उसके बारे में एक एक कोड के बारे में इसके अंदर बताया जाएगा। अगर आपको लगता है कि इसका कोड रॉन्ग है या गलत बताया जा रहा है तो आप रॉन्ग कोड लिख करके आगे भेज सकते हैं, जिससे कि वापस वो टैली होकर के आ जाएगा कि आप सही हैं या वो सही है। तो दोस्तों जहां तक है इस एप्लीकेशन के सारे कोड मैंने चेक करे हैं, वर्क ऑफसेट सही, बिल्कुल वो के वही कोड है जी कोड। ठीक है दोस्तों, ये तो हुआ जी कोड की एक लिस्ट। उसके बाद हम आते हैं एम कोड के अंदर सेकंड ऑप्शन में। एम कोड के अंदर सबसे पहला कॉलम है ऑल का। दोस्तों ऑल के अंदर जितने भी कॉमन होते हैं कोड वो इसके अंदर दे रखे हैं, ऑल टाइप के एम कोड। आपकी मशीन में अगर आपको दिखता हो कि कोड कोई पता नहीं पड़ पा रही हो, इसमें कोड का क्या मतलब है, इस कोड का क्या मतलब है, तो आप तुरंत इसके अंदर जाकर के एप्लीकेशन में जाकर के एम के लिस्ट में जाकर के जिस नंबर का आपको कोड चाहिए उस कोड पर जाकर के उसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हुई एम कोड की लिस्ट जो कि ऑल मशीनों के लिए दे रखी है। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट इसके अंदर दे रखी है। दोस्तों अब चलते हैं हम सबसे पहले ऑल के बाद में सीएनसी। सीएनसी में किस तरीके के एम कोड काम आते हैं उसकी पूरी लिस्ट इसके अंदर दे रखी है, बाकायदा नाम इसमें एक एक कोड का लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, योगे सीएनसी के लिए। अब आते हैं हम सेकंड फानुक। फानुक कंट्रोल के एम कोड क्या होते हैं, टोटल इसके अंदर दे रखे हैं एम कोड फानुक कंट्रोल के। एक एक साइकिल का इसमें मतलब बता रखा है, क्या काम आता है। दोस्तों अब आते हैं हम हार्स कंट्रोल पे। हार्स के अंदर एम कोड क्या रहेंगे ये आपको एक एक कोड के बारे में इसके अंदर बताया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं वीएमसी। हार्स के बाद आते हैं वीएमसी में कौन से एम कोड काम आते हैं, ये वाले जो कि सभी प्रोग्रामर्स ऑपरेटर अभी अपनी मशीनों पर काम में ले रहे हैं, उनको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ बिल्कुल यही कोड काम में ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब एम कोड के बाद आता है ग्लोसरी, जिसको फ्लिप करने के बाद में आपको हर अल्फाबेट का मतलब आपको इसके अंदर बताया जाएगा। A4 एक्सिस ऑफ मशीन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल बताएगा ए क्या काम आता है या ए वर्ड का मतलब क्या होता है। कहीं अगर प्रोग्राम में ए दिया हुआ हो, बी दिया हुआ हो, सी दिया हुआ हो, किसी भी अल्फाबेट का मतलब आप एक क्लिक मारेंगे, जैसे जी कोड पर मैंने क्लिक किया तो ज्योमेट्रिक कोड के बारे में आपको पूरी डिटेल दे देगा। I, J, K, L क्या काम आते हैं,
अगर किसी को जानना हो तो तुरंत के पे जाके एल पे जाकर के इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। द एल एड्रेस कैरेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई ए रिपीट काउंट फॉर सम कैंड साइकिल एंड ऑक्सिलरी फंक्शन। इट इज फॉलोड बाई नंबर बिटवीन 0 and 32767। ओके, तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जिनको दिक्कत आती है कि क्यू का क्या मतलब होता है, क्यू पे जाकर क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपको बताएगा कि ये क्यू क्या काम आता है। ये क्यू क्या काम आता है आप दोबारा इसके बारे में जान सकते हैं, कहाँ यूज होता है क्यू का, दो बार बताया गया है, ठीक है ना। पी को 3-4 बार बता दिया गया है कि पी कहाँ कहाँ काम आता है, इसके बारे में पूरी डिटेल पे क्लिक के अंदर आपको बता देगा। दोस्तों ये क्रांति ग्लोसरी जिसके अंदर हर अल्फाबेट का मतलब, और किसी को मालूम करना हो कि किसी का एटीसी खराब हो गया मशीन का, अब एटीसी क्या होता है, एटीसी पे क्लिक करिए आपको तुरंत उसकी डिटेल मिल जाएगी कि एटीसी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हुआ कुछ फायदा? मुझे लग रहा है कि आपको बहुत कुछ फायदा हुआ है, आपको एक एक चीज का एक एक अल्फाबेट का मतलब पता पड़ रहा है, तो मुझे लग रहा है आपको बहुत फायदा होगा इस चीज से। ओरिजिन कहीं लिखा हुआ होता है कि ओरिजिन, यानी फानो कंट्रोल में ओरिजिन लिखा रहता है, रिलेटिव लिखा रहता है, हम इसको क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा ओरिजिन का क्या मतलब होता है। ठीक है दोस्तों, है ना शानदार एप्लीकेशन, अभी तो खत्म नहीं हुई दोस्तों, इसमें बहुत कुछ है, इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ है। अभी तो मैंने सिर्फ एक फर्स्ट पेज खोला है इसका, अब हम आ गए इसके प्रोग्रामिंग एग्जांपल पे, यानी कि लर्न वाला नीचे से आपको दिख रहा होगा लेफ्ट के अंदर लर्न का हमको दबाया है। इसके अंदर टोटल प्रोग्रामिंग जो कि प्रोग्रामर्स है उन्होंने अपनी तरफ से प्रोग्राम्स में सैंपल के तौर पे डाले गए हैं, ओडी टर्निंग सीएनसी, फेसिंग साइकिल ऑफ सीएनसी, तो आप किसी भी एक प्रोग्राम को आप क्लिक कर सकते हैं, उसको प्रोग्राम को खोल सकते हैं। आपका नेट इसमें चालू होना जरूरी है, इस कारण से क्या है कि इसमें एड आते हैं, आप एड को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद में आप देखिए आपका ये प्रोग्राम आपके सामने खुल गया। ओडी टर्निंग सीएनसी जो फानो कंट्रोल पर काम करते हैं उनको पता है कि G71 का कोड किस तरीके से यूज होना है, तो एक प्रोग्राम को देख के समझ जाएंगे हाँ बिल्कुल सही साइकिल इसके अंदर बता रखा है। ठीक है दोस्तों, अब जाते हैं हम बैक। बैक जाने के बाद मान लीजिए कि फेसिंग साइकिल फॉर सीएनसी G72 मुझे करना है, जब मैं क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम फॉर्मेट यूकी इसके अंदर खुल जाएगी। G72 किस तरीके से काम करता है, इसकी प्रोग्राम की फॉर्मेट खुल जाने के बाद में जब ये राइट साइड में ऊपर 3 बिंदी दे रखी, जब आप इसको खोलेंगे तो आप इस प्रोग्राम को कॉपी भी कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को आप शेयर भी कर सकते हैं, इसी प्रोग्राम को आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं, और आप चौथा ऑप्शन है फॉन्ट का साइज, यानी अगर आपको छोटा दिख रहा है तो आप उसके फॉन्ट के साइज को चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे ये एग्जांपल प्रोग्रामिंग के, इसमें एक नहीं है, इसमें सारे के सारे एग्जांपल है, थ्रेड मिल माइक्रो प्रोग्राम भी है, इसमें बोल्ट होल सर्किल माइक्रो प्रोग्राम भी है। इस जैसे आप इस एप्लीकेशन चलाएंगे आपको पता पड़ेगा कि इस एप्लीकेशन में बहुत कुछ है। ये कुछ प्रोग्रामर्स ने अपने अपने एक सैंपल प्रोग्राम इसके अंदर डाले रहे हैं जो कि अप्रूव होने के बाद ही एप्लीकेशन में डलते हैं, जैसे G75 ग्रूविंग का एक साइकिल होता है फानुक के अंदर, तो फानुक वालों को भी सबसे ज्यादा फायदा है इस एप्लीकेशन से। ठीक है दोस्तों, सारे प्रोग्राम इसमें दे रखे हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल पे, आर्टिकल में ये एक दो फोटो डाल रखी है जिनको आप लाइक करेंगे, तो अगर आपको लाइक करना है किसी फोटो को या कुछ अपने तरफ से फोटो डालनी है तो उसके लिए आपको पहले इसमें रजिस्टर करना होगा, क्योंकि मैं इस एप्लीकेशन में रजिस्टर कर रखा है मैंने, तो मैं आराम से इसको लाइक कर सकता हूँ। आपको लाइक करने के लिए या अपलोड करने के लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। तो दोस्तों आते हैं हम क्वेश्चंस पे, यानी कि लर्न के बाद सेकंड ऑप्शन है नीचे क्वेश्चंस, क्वेश्चंस क्लिक करने के बाद क्वेश्चन का पूरा पेज इस पे खुल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है किसी भी कोड के बारे में जानना है तो आप अपने क्वेश्चन यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं,
इसके बाद में आपके पास में इसके आंसर आएंगे। तो दोस्तों है ना शानदार एप्लीकेशन। अगर आप कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, किसी कोड में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसमें क्वेश्चन भी आस्क कर सकते हैं। या बीच वाला हमने कोड वाला चेक कर ही लिया है, उसके बाद में एक ऑप्शन आता है इसमें कमेंट्स का, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। इसके अंदर पहले से क्वेश्चन पुटअप हो रखे हैं, अगर आपका कोई सिमिलर इससे संबंधित क्वेश्चन है तो आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आते हैं दोस्तों इसकी सबसे मेन खास चीज के ऊपर। यहाँ पे कैलकुलेटर है, यहाँ पे टूल्स है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जी कोड है, इम्पोर्टेंट एम कोड है। जब आप कैलकुलेटर खोलते हैं तो आपको कटिंग स्पीड निकालनी है, स्पिंडल स्पीड निकालनी है, फीड निकालनी है, क्या चाहिए आपको बताइए। पूरा एक मशीन का पूरा प्रोग्राम, कटिंग स्पीड, फीड, आरपीएम, टूल्स तक आपको इस एप्लीकेशन के अंदर मिल रहा है दोस्तों। तो है ना ये एप्लीकेशन बहुत फायदेमंद वाली। जैसे आरपीएम मान लीजिए सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। अगर आप कटिंग स्पीड निकालना चाहते हैं किसी की, कटिंग स्पीड पर जाइए और आप इस पर कटिंग स्पीड निकालना चाहते हैं तो कटिंग स्पीड भी आज से निकाल सकते हैं। आपको डायमीटर डालना होगा 100 और स्पिंडल की स्पीड डालनी होगी मान लीजिए 1000, तो आंसर जब बराबर दबाएंगे आप तो कितना आएगा, 314 मीटर प्रति मिनट इसकी कटिंग स्पीड आएगी। तो दोस्तों ये 7 का 7 है इसके अंदर। क्या है दोस्तों इसके अंदर 7 का 7 है इसके अंदर। तो दोस्तों वापस चलते हैं इस एप्लीकेशन में। कहीं आप गलत एक बार इनपुट कर देते हैं तो आपको गलत जगह ले जाता है, इसके लिए एग्जिट करना बहुत जरूरी होता है। हम यहाँ थे टूल्स के अंदर इम्पोर्टेंट जी कोड। जब आप इम्पोर्टेंट एम कोड खोलेंगे तो आपका एम कोड ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, इम्पोर्टेंट जितने भी होते हैं एम के कोड, जो सारे मशीनों में लगभग सेम होते हैं वो बताएगा आपको। और ऊपर है टूल्स, टूल्स में आप जाएंगे तो देखिए आपके पास जो भी आप कटर वगैरह काम में ले रहे हैं ना, वो सारे इसके अंदर आएंगे। एक एक टूल के बारे में आपको बताया जाएगा। लास्ट में जैसे कि मान लो कोई ग्रोइंग टूल लिखा हुआ है तो ग्रोइंग टूल के बारे में पूरा स्पेसिफिकेशन आपको मिलेगा इसके अंदर, क्या काम आता है दोस्तों। है ना ये एप्लीकेशन कितने फायदेमंद। अगर आप चाहते हैं कि बोरिंग बार को कैसे काम में लेना है तो बोरिंग बार के लिए पूरी डिटेल आएगी। तो दोस्तों हुई ना ये शानदार एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ काम आती है, कैसे कैसे इसको काम में ले सकते हैं, सारा कुछ इसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर दे रखा है। फेस मिलिंग कटर है, किस टाइप के होते हैं, कहाँ काम आते हैं, कैसे काम करते हैं, कितना कटिंग स्पीड फीड होना चाहिए, कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री कहाँ काम आता है, 90 डिग्री कटर कहाँ काम आता है, कटर की पूरी डिटेल आपको मिल गई। उसके बाद में आपको सिर्फ काम ही तो करना दोस्तों। तो कैसी लगी है एप्लीकेशन आपको दोस्तों? मुझे लगता है कि आज की एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगी, खास तौर से फार्मर्स और हार्स पर काम करने वाले लोगों के लिए, ऑपरेटर्स प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही शानदार रहेगी दोस्तों। इसमें सारे ऑप्शन है, माइक्रो प्रोग्रामिंग के भी इसमें ऑप्शन है कि जो माइक्रो प्रोग्रामिंग करते हैं वो किस तरीके से इस ऑप्शन को खोलेंगे, किस तरीके से काम में लेंगे, तो उनके लिए भी पूरी सुविधा इसके अंदर तैयार की है। सेटिंग में दोस्तों जाएंगे आप इसके अंदर तो आपको थीम, फॉन्ट साइज वगैरह ये आपको एक बार सेट करने होते हैं। जैसे व्हाट्सएप की सेटिंग में जाते हैं तो वहाँ किस तरीके से सेटिंग करते हैं वो, ये सेटिंग का एक ऑप्शन है। ये है GDNT, यानी कि फ्लैटनेस, स्टेटनेस, सर्कुलरिटी। दोस्तों हर चीज के बारे में बताया हुआ है, हर चीज के बारे में। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसके बारे में बताएगा आपको कि ये क्या चीज है, ये सिंबल क्या काम आते हैं, हर एक सिंबल का मतलब इसमें आपको बता रखा है। ड्राइंग के ऊपर जो आपको सिंबल दिए होते हैं उनका मतलब क्या होता है, एक एक सिंबल का इसमें आपको बता रखा है। GNT हो गया। और अब आते हैं इंसर्ट का शेप, देखिए ट्राइंगल इंसर्ट, ट्रेगोन, रोम्बिक, रोम्बिक 80 डिग्री। देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे आपको पूरी डिटेल इसमें
एक एक चीज के बारे में बताएगा, कितना डिग्री की इंसर्ट होती है, स्क्वायर कितने का होता है। तो दोस्तों आपको टूल्स वाले को भी पूछने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास में इंसर्ट का नाम आ गया है तो आप इंसर्ट की पूरी डिटेल यहाँ से लिख सकते हैं। इंसर्ट का शेप होने के बाद में दोस्तों यहाँ यूट्यूब पे भी आप जा सकते हैं, आप एक्सपर्ट पैनल पे भी जा सकते हैं, और इनका एक ग्रुप है ज्वाइन ऑन टेलीग्राम, टेलीग्राम पे भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा आज का ये प्रोग्राम आपको, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, शेयर करें, लाइक करें और बहुत कुछ सीखें। आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर मैं आपको, आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत फायदा हो। तो दोस्तों चलते हैं वापस मेन पेज पे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करें, शेयर करें और इस एप्लीकेशन को काम में लें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।